वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली 2020 सुजुकी GSX 1000R बाइक के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो मोटरसाइकिल है वो जापान के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये जो सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल है वो जापान में 30 जुलाई से अवेलेबल होने वाली है। फ्रेंड्स, ये न्यू मॉडल में हमें कॉस्मेटिक अपग्रेड्स एंड न्यू कलर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस मोटरसाइकिल में हमें 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं, ट्रिट्रॉन ब्लू मेटालिक, मिस्टिक सिल्वर मेटालिक एंड ब्लैक मैट ब्लैक मेटालिक। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस मोटरसाइकिल के प्राइस के बारे में, तो फ्रेंड्स, मोटरसाइकिल का जो प्राइस है वो हमें 50 लाख अराउंड देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस मोटरसाइकिल के इंजन के बारे में, तो फ्रेंड्स, मोटरसाइकिल में हमें 999 cc 4 सिलेंडर लिक्विड कूल मोटर देखने को मिलने वाली है, जो कि हमें 194 bhp के पावर के साथ और 117 nm के टॉर्क के साथ देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये इंजन हमें 6-speed ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस मोटरसाइकिल के सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रेंड्स, मोटरसाइकिल के फ्रंट में हमें शॉक एब्जॉर्प्शन ट्रास, हमें सोआ बैलेंस फ्री फ्रंट फॉर्क के साथ देखने को मिलेगा, और रियर में हमें सोआ बैलेंस फ्री रियर क्यूशन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस मोटरसाइकिल के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो फ्रेंड्स, मोटरसाइकिल के फ्रंट में हमें 320 mm ट्विन डिस्क ब्रेक विद 4 पिस्टन रेडियल कैलिपर देखने को मिलेगी, और रियर में हमें 220 mm की सिंगल रोटर ब्रेक विद अ सिंगल पिस्टन कैलिपर देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इस मोटरसाइकिल के अदर फीचर्स के बारे में, तो फ्रेंड्स, मोटरसाइकिल में हमें फुल LED लाइटिंग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो इस मोटरसाइकिल के बारे में इतनी डिटेल्स आई है जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।